India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. Certainly this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country. भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर राहुल गांधी नए सफर पर निकलने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल पूर्व से पश्चिम की यात्रा पर निकलेंगे। 14 जनवरी से 20 मार्च तक निकलेगी यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे हरी झंडी। 14 राज्यों को कवर करेगी 6200 किलोमीटर लंबी यात्रा। मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरेगी। जाहिर है 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल नए सफर पर निकल रहे हैं, तो इसे चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिहाज से देखा जा रहा है। लेकिन 2023 चुनाव से पहले निकली भारत जोड़ो यात्रा एमपी में वो मैजिक नहीं दिखा पाई। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 145 दिनों की यात्रा तय की। 3,570 किलोमीटर में 14 राज्यों को कवर किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं दिखा मैजिक। 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक एमपी में हुई यात्रा मालवा निमाड़ के 6 जिलों से होकर गुजरी। मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर की दूरी तय की। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा से निकली। 6 जिलों की 21 सीटों पर खासा असर नहीं दिखा पाई यात्रा। 21 में से महज 4 सीटें कांग्रेस, 17 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। 2023 चुनाव में यात्रा का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, जिस पर बीजेपी भी तंज कस रही है। लेकिन कांग्रेस इसे 2024 चुनाव की जगह जनता से जुड़ने और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जरिया मान रही है। जहां जहां पैर पड़े संतन के, संतन का अर्थ मतलब दूसरी बात कह रहा हूं मैं, जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार, जहां जहां गए थे वहां वहां जमानत जब्त हो गई है। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने। राजनीतिक तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उस पर एक जनजागरण है इस यात्रा के स्वरूप में। और जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश राहुल जी की यात्रा आएगी। ये यात्रा देश के हर नागरिक की यात्रा है, प्रदेश के हर नागरिक की यात्रा है। मध्य प्रदेश में बड़ी भागीदारी से हम इसका स्वागत भी करेंगे और सहभागी भी बनेंगे। ये जीत और हार का विषय नहीं है, ये देश को बचाने का विषय है, देश के संविधान को बचाने का विषय है, लोकतंत्र को बचाने का विषय है। भारत जोड़ो यात्रा 2023 चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस के दौर में एमपी से गुजरी थी। अब कांग्रेस की कमान यंग और एग्रेसिव लीडर जीतू पटवारी के हाथों में है, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इसका कांग्रेस संगठन और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। बंसल न्यूज के सवाल। सवाल नंबर एक, मध्य प्रदेश में 23 में बेअसर रही यात्रा 24 में कमाल दिखाएगी। सवाल नंबर दो, जीतू के युवा नेतृत्व वाली नई कांग्रेस जीत की यात्रा तय करेगी। सवाल नंबर तीन, 28 लोकसभा सीटों पर काबिज बीजेपी के लिए क्या यात्रा चुनौती बनकर उभरेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नई कांग्रेस, नई यात्रा। निश्चित तौर पर यात्राओं का भारतीय राजनीति में एक बड़ा महत्व है, और ये बात हम पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा जो राम मंदिर निर्माण के लिए थी, और अब 2024 में वो राम मंदिर लोकार्पण की एक भव्य प्रक्रिया से भी गुजरने वाला है, तो निश्चित तौर पर समीक्षकों का मानना था कि कभी दो सांसदों की पार्टी को आगे बढ़ाने में उस यात्रा का बहुत बड़ा योगदान। इंदिरा जी जब आपातकाल के बाद एक टफ टाइम से गुजर रही थी, तो बिहार में एक ऐसे गांव में वो पहुंची थी जहां दलित उत्पीड़न की कोई घटना थी, और उस गांव में दलदल और कीचड़ इतना था कि उन्हें हाथी पर बैठा कर उस गांव तक ले जाना पड़ा था, क्योंकि
रास्ता चलने योग्य नहीं था। फिर इसके अलावा आप यात्राओं का इतिहास देखें तो बड़ी लंबी यात्राएं हैं, और अगर बात राहुल गांधी की करें तो उनकी भी भारत जोड़ो यात्रा की प्रतिक्रिया को लेकर बड़े दावे सामने आए हैं, और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि एक राजनेता की छवि, एक ऐसे राजनेता की छवि जो भारत को समझ रहा है, भारत को जानना चाह रहा है, खासतौर से वंचित वर्ग को, उस छवि के राजनेता के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को प्रस्तुत किया। राहुल गांधी जी की भावभंगिमा बदली, बॉडी लैंग्वेज जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस का स्तर और बढ़ा, और अब इस यात्रा से जो उसी का दूसरा पार्ट है, पार्ट टू कह लीजिए, ये इसकी रूपरेखा उसी समय बनी थी, लेकिन ये एक बड़ी यात्रा है। और अंतर इतना है कि ये यात्रा 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की तो है, 85 ज़िलों से गुजरेगी, और इसी के साथ 14 राज्यों से भी ये निकलेगी, लेकिन ये बस से भी पूरी होगी, बीच बीच में पैदल भी चलेंगे, क्योंकि 14 जनवरी से 20 मार्च तक की इस यात्रा के दौरान आपको लगभग 2 महीने 6 दिन के बीच में इस यात्रा को पूरा करना है कि लोकसभा की तैयारी। ज़ाहिर तौर पर इसमें इंडिया अलायंस के स्टेट भी होंगे, पश्चिम बंगाल या आप बात कर लीजिए बिहार की, तो ये तमाम चीज़ें भी होंगी, और उसके साथ हार्डकोर बीजेपी के जो राज्य हैं वहाँ से भी ये यात्रा गुजरेगी। तो हमले भी होंगे, बातें भी होंगी, सामाजिक न्याय मुख्य मुद्दा है, और ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी बड़े हमले की भी तैयारी इस यात्रा के जरिए करेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ, जो स्पोक्स पर्सन की भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है, और साथ ही सुनील शुक्ल जी हमारे साथ रहेंगे, एडिटर हैं बंसल न्यूज़ डिजिटल के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुनील जी, पहली टिप्पणी आपकी ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, अगर मैं कहूं इस यात्रा को लेकर, पार्ट टू है, उम्मीदें पहली यात्रा में काफ़ी थीं, पूरी भी हुई, ऐसा भी मानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पार्ट टू से और उम्मीदें होती हैं, और उस समय जबकि लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी 14 राज्यों से गुजरेंगे, और इनमें अनेक राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का दबदबा है, तो इसके बाद चर्चा ये भी होगी कि क्या प्रभाव रहा वहां राहुल गांधी जी की यात्रा का, लेकिन ये जोखिम वो उठा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर शरद जी, जैसा कि आपने कहा कि भाई एक भारतीय राजनीति में यात्राओं का, जैसा आपने आडवाणी जी की यात्रा का जिक्र किया और किस तरीके से उस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में कितना अहम रोल रहा, ये हम सब जानते ही हैं। और बात अभी आज बात हो रही है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पे, तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक छवि जो राहुल गांधी की एक गढ़ी गई थी, तो मुझे लग रहा है कि पूरी खुद राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इस एक्सरसाइज से की हुई आ रहा था कि वो भारतीय जनमानस को अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि काफ़ी हद तक उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा जो कि दक्षिण से लेके उत्तर तक गई, और ये माना जा रहा था कि भाई ये दोबारा से यात्रा शुरू करेंगे, और वो यात्रा हो सकता है कि पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की हो, तो ये चुना गया है कि साहब इस बार वो पूर्व से पश्चिम की ओर चुनेंगे। और जिस तरीके से मणिपुर को चुना गया है, और मणिपुर के साथ साथ जो इसकी टाइमिंग है लोकसभा चुनाव के पहले पहले, और ये यात्रा 14 जनवरी, हमको निहितार्थ भी इसको देखते आना पड़ेगा कि 14 जनवरी एक मकर संक्रांति, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक वो जो एक जो हिंदुत्व का जो एक वापस एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें एक 14 जनवरी का भी प्रतीक है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं शरद जी कि ये 20 मार्च को ये ख़त्म हो रही है मणिपुर से चल के मुंबई में, तो ये मुझे लगता है कि वही ये डेट होगी जब लगभग अपन ये कहें कि लोकसभा चुनाव अनाउंस हो चुके होंगे। और जिस तरीके से ये है कि 14 राज्य में, तो दोबारा से जो राहुल गांधी का ये आ रहा है और उसको जो नाम दिया गया है न्याय यात्रा, और इसको मणिपुर से शुरू करने का जो है, तो एक तरीके से ये माना जा रहा है कि किस तरीके से जनता के साथ कनेक्ट। अब ये ज़रूर है कि हम अभी जिस तरीके से जो पिछली यात्रा थी उस तरीके से वो चुनाव की सीटों में उतनी तब्दीली नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के पास अब यही एक सबसे बड़ा विकल्प है कि जनता के बीच जाके और जनता से कनेक्ट, तो मुझे लग रहा है कि ये वही उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। और चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले हो रही है, और निश्चित तौर पर आपने कहा कि जो काफ़ी सारे राज्य जो इंडिया अलायंस के जो है इसमें उनसे भी गुजरेगी, तो मुझे
कांग्रेस जो दोबारा से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसी एक्सरसाइज का ये एक अगला हिस्सा पार्ट टू है निश्चित तौर पर। और नगा और कुकी जो संघर्ष था, सुनील जी आपने प्रतीकों की बात की, तो जिस तरह से कांग्रेस ने उसको काफ़ी एक बड़े मुद्दे और पॉलिटिकल एक एलिगेशन के तौर पर भी, जो जिस तरह से वहाँ इस संघर्ष में महिला सम्मान का हरण हुआ और जिस तरह की तस्वीरें सामने आईं, इसलिए उसको चुना गया है। और आपने ठीक कहा कि 14 जो तारीख चुनी गई है जनवरी की, मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति एक ट्रांजिशनल फेज भी माना जाता है, संक्रमण काल भी होता है, दो ऋतुओं का एक तरह से आप कह सकते हैं, हालांकि विधिवत बसंत पंचमी है, लेकिन ये गोविंद जी आप किस तरह देखते हैं यात्रा के पीछे एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा होता है तो वो यात्रा काफ़ी सफल होती है, और जन जन की भावना से जुड़ा मुद्दा होता है। कांग्रेस इस समय जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जिस तरह से तथाकथित बड़े उद्योगपतियों को लेकर बीजेपी पर हमले कर रही है, और उसके गैर बराबरी की जो बातें हैं, रोजगार का मुद्दा है, ये कितना जनता को छू पाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यात्रा तो शुरू कर रहे हैं और पार्ट टू है। जी शरद जी, आपने जैसा कहा अपनी प्रस्तावना में कि भावना के साथ, तो जन भावना के साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक कोई यात्रा, कोई अभियान, कोई संकल्प, कोई आपका जो आगे का एजेंडा है वो सफल नहीं हो सकता है। कांग्रेस की कोई कोरी स्लेट लेकर जनता के बीच में नहीं जा रही है, ये बदरंग हो चुकी और बिल्कुल छितरी हुई जो स्लेट पर लिखे हुए हरूफ हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रही। तो सबसे पहले तो उनको जो अन्याय उन्होंने किया 50-60 साल देश के साथ, नागरिकों के साथ जो छल किया है, गरीबी हटाओ से लेकर हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं कि कई सारे ऐसे नारों के साथ भ्रमित किया है देश की जनता को, उस पर एक पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, तभी जनता उनको माफ़ करेगी। जनता से कनेक्ट होने के लिए जनता की भावना से जुड़ना पड़ेगा। जनता की भावना क्या है? आज ये देश विश्वगुरु के पद पर स्थापित हो, ये देश जो प्रगति कर रहा है उसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं, ये अन्याय और न्याय किस बात का है? ये न्याय का इन्होंने 2019 में भी एक न्याय का एजेंडा निकाला था, न्याय योजना, ऐसी कई योजना निकाली लेकिन वो फ्लॉप हो गई, जनता ने उसको स्वीकार भी नहीं किया, मैंडेट में भी कहीं उसमें कहीं परिलक्षित नहीं हुआ। इसलिए ये भारत जोड़ो, पहले भारत को तोड़ दिया, भारत जोड़ने निकले क्या हश्र हुआ उसका हमने सबने देखा, अब फिर निकलेंगे न्याय यात्रा। तो जनता जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक इन यात्राओं का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी की नकल करना आसान है लेकिन वो किस उद्देश्य, किस भावना, किस संकल्प लेकर हम जनता के बीच में गए, कई यात्राएं हमने निकाली, स्वर्ण जयंती यात्रा, रथ यात्रा, राम रथ यात्रा, ऐसी कई, लेकिन उस पर एक उद्देश्य था। उद्देश्य विहीन केवल सत्ता यदि उद्देश्य है तो जनता आपके साथ कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जितेन जी सुनिए, आपने बीजेपी की बातें, उनका ये भी दावा है और आरोप भी समझ लीजिए कि जनता से जो संपर्क है वो भाव कहाँ से लाएगी कांग्रेस? जी नहीं, देखिए शरद जी, बहुत जरूरी थी इस तरह की यात्रा निकालना। इसके पहले भी हमने एक बार देश को नापा है, इस बार फिर हम मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। देखिए सवाल इस बात का है कि हम कम से कम इस जनता की आवाज़ तो बने, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा संसद के अंदर बात नहीं कर सकते, प्रेस के माध्यम से बात करते हैं तो छपने नहीं दिया जाता, कहाँ जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, अपनी बात रखेंगे, सीधी की सीधी जनता के साथ एक संवाद कायम करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और आज देश को इस यात्रा की ज़रूरत है। इस देश में जो सरकारें बैठी हैं शरद जी, निश्चित तौर पर न्याय नहीं कर पा रही। आप ये देखिए कि आज किसान कानून को वापस लिया गया जब कितने लोगों को शहीद हो गए, आपको तुरंत निर्णय लेना था, ये सरकार बैठ के किस तरीके के फैसले ले रही है उसको ले। आज बेरोजगार, आज आप देखिए बेरोजगारी के मध्य प्रदेश का पूरे देश में जो हाल है उसकी चिंता कौन करेगा, विपक्ष को करना पड़ेगी। विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है,
इसलिए वो आगे आके ये बात करती है। आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, सवाल कौन पूछेगा? सवाल जनता की तरफ से विपक्ष पूछेगा। महंगाई कम करने की बात थी, आप कहते थे कि 35 रुपये में डीजल पेट्रोल दे देंगे, आज पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, उसका जवाब सरकार को देना। 1 रुपया पेट्रोल और डीजल पर बढ़ जाता था तो आपने देखा किस तरीके सड़क पर माहौल बनता था विपक्ष में खिलाफ में सरकार के। आज कहाँ पहुँच गया, कोई जवाब देने वाला नहीं। वित्त मंत्री से सवाल करिए आप तो वो कृषि मंत्री जवाब देने आता है, कृषि मंत्री सवाल करिए तो स्वास्थ्य मंत्री जवाब देता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी यात्राओं की ज़रूरत है जनता को जागृत करने के लिए। और आप ही देखिए, आज तो प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो छप नहीं रहा, जो हम बोल नहीं रहे वो छप रहा है। तो निश्चित तौर पर किसानों को न्याय दिन, आपने तो कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट, आप तो किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, आज किसान लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर है और उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए जा रहे हैं। तो इसकी इस विसंगति को दूर करने के लिए आवाज उठाना पड़ेगी। और मालू जी ने भी कहा, तो मालू जी आपकी यात्रा भी 200 से 200 तक जो हुई थी वो यात्रा की बदौलत हुई थी, और किस तरह की यात्रा थी ये छुपा नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इसके लिए प्रयास करेगी, ये कोई राजनीतिक लाभ लेने की यात्रा नहीं है। मणिपुर 60 दिन तक मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री की तरफ से एक वक्तव्य भी नहीं आया। तो मेरा ये कहना इन सब सवालों को उठाने के लिए बहुत ही आवश्यक हो गई थी यात्रा, इसलिए शरद जी इन सभी उद्देश्यों को लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है। सुनील जी, मैं वो कहावत याद नहीं करूंगा क्योंकि वो भाव यहाँ कांग्रेस का नहीं है। राहुल गांधी कई बार अपनी एक अलग राजनीतिक अप्रोच की धारा के साथ सामने आते हैं कि गुड़ खाएँ और गुलगुले से परहेज करें। आप यात्रा पर जब निकलते हैं तो जैसा जितेंद्र जी ने कहा, कई बार मीडिया की तरफ इशारा होता है कि आप क्या दिखा रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके पहले भी देश की बात हम करें तो एक बहुत ही मैच्योर लोकतंत्र है और जनता सब समझती है और मीडिया भी अपना दायित्व पूरी गरिमा से निभाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन आप अगर आडवाणी जी की यात्रा से भी मैं इसकी तुलना नहीं करूँगा, वो एक अलग इमोटिव इशू की यात्रा थी, ये हार्डकोर एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप देश के मुद्दे लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप चल रहे हैं तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, आपको रैलियां भी संबोधित करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए आपको। लेकिन कांग्रेस इससे थोड़ा बचती है और इसके पीछे राहुल जी का अप्रोच माना जाता है और ये थोड़ा सा ये अप्रिहेंशन भी, चिंता भी मानी जाती है कि कुछ का कुछ ना हो जाए। क्या इस भाव को समाप्त करना होगा इस दूसरी यात्रा में? आपको अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी, आपको बात करनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी होंगी, तथ्य और तर्क सामने रखने होंगे, क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल ठीक बात है शरद जी, मैं आपकी बात से 101% सहमत हूं कि भाई एक आप विपक्ष के नेता के तौर पर जिन बातों के लिए आप सत्ता पक्ष की आलोचना करते हैं और कहीं उसी तरीके का आप जो है आचरण जो है वो मीडिया के लिए रखते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती है कि भाई सबसे पहले जनता से बड़ा देश में कोई नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको जनता की जनता, आपको जनता के साथ कनेक्ट आपका स्थापित हो, जो भी आप चीज़ कह रहे हैं जनता के वो जनता वो एक्सेप्ट करेगी, हाँ आप जो जनता की आकांक्षाएँ अपेक्षाएँ हैं एक विपक्ष के तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं लगना चाहिए कांग्रेस पार्टी और उसके एक नेता के रूप में राहुल गांधी को। और जैसा कि आपने कहा कि उनको वाकई में बिल्कुल, जैसा हमने भी देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में कई बार उन्होंने मीडिया को जो है खुद जब सवाल पूछा तो उन्होंने पलट के वापस से दोबारा से मीडिया को सवाल के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस सबसे सबक लेना चाहिए। और जो सबसे बड़ा इशू है कि भाई इसको जिस तरीके से न्याय यात्रा दिया है, तो सबसे पहले उनको वाकई में जो है जिस तरीके से मणिपुर की हम बात कर रहे हैं कि जिस जितेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई और जो जला है पूरे देश ने देखा है, तो वहीं मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस ने मणिपुर को चुना है। और राहुल गांधी को निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं, हालांकि हमने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि में काफ़ी जो पहले एक उनको एक टैबू से जोड़ दिया गया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक वो उनकी छवि तो छुधरी है और वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष के तौर पर एक प्रतीक के रूप में अब राहुल गांधी को पहले की तुलना में थोड़ा सा गंभीरता से देश और जनता ले रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको काफ़ी कुछ जो है कभी अग्नि परीक्षा से गुजरने की ज़रूरत है और साबित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल गोविंद जी, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कांग्रेस इस बार सोच रही हो और इसे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप पार्ट टू किसी भी काम का करते हैं तो आपके जहन में ये बात ज़रूर आती है कि हमें पिछली बार की चीज़ों को और बेहतर करना है।
कांग्रेस कोशिश करेगी। आप कैसे देखते हैं कि क्या बीजेपी क्या इसको लेकर किसी रणनीति को बनाएगी, क्योंकि ठीक है लोकसभा चुनाव के पहले की यात्रा है तो पॉलिटिकल इशू और इस बार इंडिया भी साथ खड़ा है राहुल गांधी के। जी शरद जी, मैंने पहले भी कहा कि जब तक जनता का पार्टिसिपेशन किसी आपके अभियान में नहीं होगा तब तक वो सफल नहीं हो सकता। ये कभी अपनी असफलता का ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर फोड़ते हैं। ये कांग्रेस के लोग ऐसे हैं कि चूहे से हाथी को हार पहनाने का उपक्रम करते हैं और लड्डू के छेनी हथौड़ी से तोड़ते हैं। इसलिए पहले तो आपके मुद्दे ऐसे हों, आप जनता से कनेक्ट हों, जनता अपने आप आपके पास आएगी। अब वो हमको दिखाते नहीं हैं, हमारे बयान नहीं छपते हैं, मीडिया हमको इग्नोर करता है। किसी भी मूवमेंट को जिसमें जनता साथ होती है, कोई भी सरकार हो, और इंदिरा गांधी के समय भी तानाशाही सरकार थी जिसने नवनिर्माण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन को दबाने की, उनको नहीं छपने देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी आखिरकार आई देश में और सबको बंद कर दिया गया जेल में। ऐसी स्थिति भारत में कभी नहीं आई, न कभी आएगी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, किसने कौन सा मैनेजमेंट था, अपने आप हाथों हाथ लिया मीडिया ने। और अब तो मल्टी डायमेंशनल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे बहुआयामी आपके पास उपकरण है जिसके जरिए आप अपनी बात कह सकते हैं। जितेंद्र जी, गोविंद जी की बात जो है मैं उससे जोड़ूंगा कि आजादी की लड़ाई के समय भी सेंसरशिप रही और 75 में भी सेंसरशिप की बात हुई, लेकिन जनता के हित की बात जनता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और ये निश्चित समझिए कि इसको इसको किसी और आवरण के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नए परिवर्तन तो करने ही पड़ेंगे इस यात्रा के दौरान। सर जी, सबसे पहली चीज़ तो जो है वो ये कि जो आपने वादे किए थे उन वादों को लेकर के सवाल कौन पूछेगा। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है, आपने कहा नोटबंदी, नोटबंदी से आपने क्या दर्शाया और क्या इस देश को मिला नोटबंदी से। आपने जीएसटी को लेकर के रात के 2 बजे एक बहुत बड़ा आयोजन किया, एक देश एक, तो एक जनता ने मोहर लगा दी भाई। ये मोहर की बात नहीं है, सवाल जनता ने जनादेश दे दिया, एक देश एक टैक्स की बात मानी थी आपने, की थी आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, पारे पूरे नहीं करती तो कहा कि पकौड़े लगातार की ना असेंबली इलेक्शन में जीत मिलती ना पार्लियामेंट में जीत मिलती। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से इस देश को तस्वीर को चलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा जितेंद्र जी, माफी चाहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, गोविंद जी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं और उनसे कांग्रेस को जूझना है। कई बार हम अपनी चुनौतियों का आरोपी किसी और को बनाने में जुट जाते हैं और ऐसा किसी एक के साथ नहीं होता, अक्सर ये हम सभी के साथ होता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या इंडिविजुअल व्यक्ति हो, या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। जब आप इस सोच के दायरे से बाहर निकलते हैं और आप उस कहावत को याद करते हैं कि बुरा जो देखन न चला, तो आप पाते हैं कि रेट्रोस्पेक्शन ही वो आईना है जो आपको बताता है कि हाँ चुनौतियाँ तो बहुत गहरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो मैं ही हूँ, मुझे ही ठीक करना है अपने। कांग्रेस के लिए वो ये समय रेट्रोस्पेक्शन का है और ये पार्टी रेट्रोस्पेक्शन के साथ आगे बढ़ रही है और यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट वो पार्टी है, तो उसे इसको भी ध्यान रखना है कि जनता उसकी तरफ देख रही है कि आप आगे बढ़ें, आप सशक्त हों और आप बीजेपी के सामने एक ऐसी पार्टी के तौर पर भी हों जो बीजेपी को भी ये बताए कि जनता के हितों के संरक्षक के तौर पर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं और आप उस तरीके से आगे बढ़ें। लेकिन वो ठीकरा अगर इधर उधर फूटेगा चुनौतियां बढ़ेंगी शायद। आगे देखिए हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन छत्तीसगढ़ का, मोर माटी मोर। नमस्कार, बढ़िया।